हेलो व्यूवर्स, फ्रेंचाइजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप हीरो मोटोकॉर्प जो पेट्रोल टू व्हीलर्स बाइक्स एंड स्कूटर्स बनाते हैं उसका आप डीलरशिप या फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप हीरो इलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड आपको टू व्हीलर्स बनाते हैं उसका आप डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हीरो इलेक्ट्रिक जो है ये अगेन हीरो का हीरो ग्रुप की ही कंपनी है और आप जानते होंगे हीरो जो है ये कंपनी 1956 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी एंड कंपनी जो है अब हीरो इलेक्ट्रिक का इन्होंने एक नया सब्सिडियरी स्टार्ट की है जिसके अंदर ये अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बना रहे हैं। सो कंपनी जो है इन्होंने टू व्हीलर स्कूटर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं एंड दे हैव लॉन्च्ड अराउंड 5 to 6 स्कूटर्स टिल नाउ और इसका मार्केट अभी अच्छा पिकअप कर रहा है बिकॉज ये एक नया सेगमेंट है और गवर्नमेंट की एंड से भी बहुत पुश है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो देखिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं हीरो इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे तो आप इसमें देखेंगे कि मतलब कंपनी जो है वो क्या क्या आपको ऑप्शंस दे रही है। तो देखिए, सारे के सारे जो स्कूटर्स अभी तक कंपनी ने जो लॉन्च किए हैं वो सारे जो हैं वो आपको लिथियम आयन बैटरी पे बैटरी के टेक्नोलॉजी पे हैं। सो जो कि जो है बेस्ट मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में। प्लस जो है मतलब हीरो जो है वो आपको कुछ ऑफर एंड स्कीम्स भी लेके आया है फॉर बोथ इंडिविजुअल कस्टमर्स एज वेल एज फॉर कॉर्पोरेट्स। तो जैसे इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए अगर आप पेटीएम मॉल से खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ का एक डिस्काउंट मिलता है। प्लस अगर आप अपना जो पेट्रोल अगर आपके पास टू व्हीलर है तो उसको आप एक्सचेंज भी करा सकते हैं तो उस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। प्लस कॉर्पोरेट्स के लिए भी जो उन्होंने ऑफर दिए हुए हैं उसमें वो बायबैक ऑफर है आपको, फिर फिनेंस का है, लॉयल्टी स्कीम्स है, डिस्काउंट्स है, फिर मेन डोर स्टोर सर्विस है, मेंटेनेंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी अपने एंड से भी दे रही है सो दैट इसको प्रमोट किया जाए। अभी जो है आप इसमें आप डीलर कैसे बनेंगे, ठीक है। सो देखिए, आप इनके वेबसाइट पे जो टॉप राइट में एक ऑप्शन आ रहा है आपको कॉन्टैक्ट अस, आप कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे और बिकम आवर डीलर पे आप क्लिक कीजिए तो आपको एक पेज ओपन हो जाता है। तो इस पेज में जो है आपको डिटेल्स मांगी गई हैं जैसे आपका नाम, एज, क्वालिफिकेशन, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आपका एड्रेस, फिर अगर आपका कोई फर्म है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आप उस एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम बता दीजिए एंड देन कितना टर्नओवर होता है आपको सो दैट कंपनी को आपके बैकग्राउंड के आपके फिनेंशियल इसके बारे में पता चलेगा। सो ये डिटेल्स जो हैं वो कंपनी के पास जाने के बाद जो है कंपनी कुछ चेक्स करती है, एक बेसिक चेक जैसे कि लेट्स से कि आप किसी एक लोकेशन में आप ओपन करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपनी जो है एक मार्केट एनालिसिस करेगी कि वहाँ पे जो है इसका आउटलेट खोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, वहाँ पे बिजनेस अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर जी कि आपने आप जिस लोकेशन में अपना डीलरशिप खोलना चाहते हैं और उसके नियर बाय में ऑलरेडी एक डीलरशिप है तो उस सिनेरियो में आपको नहीं मिलेगा तो कंपनी जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करती है फ्रॉम वन डीलर टू अदर डीलर, तो वो चीज़ भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर तीसरा जो आ जाएगा आपको वो एक फिनेंशियल स्टेटस। तो जैसे कि अभी क्योंकि ये टू व्हीलर का बिजनेस है तो जैसे मैंने आपको हीरो मोटोकॉर्प के उसमें बताया था कि आपको 2 to 4 crores का आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन क्योंकि ये अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिक बिजनेस तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मेरे पास नंबर्स नहीं है एग्जैक्ट कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये आप जब कंपनी से बात करेंगे तो आपको इस बारे में एक बेटर क्लैरिटी दे पाएंगे। फिर जो है आपका एक हो जाता है कि लैंड का लोकेशन एंड एरिया। सो लोकेशन के बारे में तो हम बात कर चुके हैं प्लस एरिया, तो देखिए एक हो जाता है आपका जहाँ पे आपका शोरूम रहता है प्लस जो आपका सर्विस, तो दोनों चीज़ों के लिए अगर आपका लैंड सफिशिएंट होगा तो ये कुछ बेसिक चेक्स हैं जो कि कंपनी जो है किसी को भी डीलरशिप देने से पहले करेगी और तभी देगी। देखिए अभी 2019 चल रहा है तो अभी जो है
बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सारी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, जैसे चाइना से कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं कंपनीज के, सो दैट वो अप जो लिथियम आयन बैटरी जो है, जो कि एक मेन कंपोनेंट है इस इन व्हीकल्स के, उसका जो उसको जो है वो मैन्युफैक्चर करें इंडिया में. सो इसके साथ और जो सब्सिडी मिल रही है, जो आपको एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो उसके साथ जो है कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इसका मार्केट जो है वो पिक करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है इसको अपने एंड से पुश कर रही है. सो दोनों चीज़ें बचाने के लिए, एक तो कि ऑब्वियसली एक अपना पोल्यूशन का आता है एंड दूसरा जो हम फॉरेन रिजर्व्स जो हमारे जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, उसको बचाने के लिए भी. ये जो है देखिए अभी इनिशियल फेज है, बट यस आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है. क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे टू व्हीलर में हो गया है, फोर व्हीलर में हो गया, सो सारी कंपनीज जो हैं ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1-2 ईयर्स में जो हैं ये मतलब सारी कंपनीज अपने अपने मॉडल्स लॉन्च कर देंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में. सो आप इसको जो है एक मतलब एज एन ऑप्शन देख सकते हैं. आप जब कंपनी से बात करेंगे तो आपको जो है बेटर क्लियर पिक्चर पता चलेगी कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है और आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसा है. सो उसके बाद ही जो है आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा. इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आप किसी और कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप उस कंपनी का नाम डालिए, मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको बताऊंगा. थैंक यू.